हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर वर्षा बुंदेले, प्लास्टिक सर्जन इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम बात करेंगे राइनोप्लास्टी मींस नोज जॉब या नोज करेक्शन पे। नोज बहुत सारे लोगों का नोज एक ऐसा पार्ट है जो बिल्कुल सामने नज़र आता है और बहुत सारे लोगों को खुद भी लगता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे किसी का नोज चौड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का टॉर्सल हम्प होता है, किसी के टिप में प्रॉब्लम है, टिप झुका हुआ है, टिप उठा हुआ है, नैरो है, ब्रॉड है। स्पेशली इंडियन जो नोजेस है उसमें थिक स्किन होती है और ब्रॉड नोज बहुत कॉमन है हमारे यहाँ पे। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स नोज के साथ है, क्रूक्ड नोज है, तो ये जो भी डेविएटेड है चोट की वजह से है या पैदाइशी डेविएटेड नोज है, ये सारे प्रॉब्लम्स हम करेक्ट कर सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के साथ जब भी आप एक प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं तो वो आपको पूरा एग्जामिन करेंगे, असेस करेंगे, आपको कहीं फंक्शनल प्रॉब्लम तो नहीं है साथ में, जैसे सांस लेने में तकलीफ है या बार बार आपको सर्दी हो जाती है, नाक से पानी बहना, एक नाक से सांस नहीं आना, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको एक बार असेस करेंगे। तो इवन फंक्शन और एस्थेटिक कॉस्मेटिक पार्ट दोनों साथ में चलते हैं। किसी ने कहा है, अ नोज दैट ब्रीथ वेल आर ब्यूटिफुल एंड ब्यूटिफुल नोजेस ब्रीथ वेल। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि दोनों चीज़ साथ में चलती है। जैसे ही आपका एस्थेटिक फंक्शनल पार्ट करेक्ट होगा, आपका एस्थेटिक पार्ट ऑटोमेटिकली नोज करेक्ट हो जाएगा। उसके लिए जब आप पहुँचते हैं तो इस तरह का असेसमेंट के बाद आपकी कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, कुछ और रिक्वायरमेंट है जनरल एनेस्थेसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टेस्ट हो जाती है। फिर सर्जरी ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे कई बार लगते हैं इस तरह की सर्जरी में। एक छोटा सा नोज है बट बहुत लंबा टाइम लगता है इसमें सर्जरी में। और सर्जरी के बाद आपका जो पीरियड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है, 1 दिन तक यूजुअली नोज को बंद रखा जाता है, नोज पैकिंग होती है, तो आपको मुंह से सांस लेना होता है। स्वेलिंग रिड्यूसिंग मेडिसिन दी जाती है, पेन किलर्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स आपको दिए जाते हैं। और नाक के ऊपर कई बार जब हम बोन फ्रैक्चर करते हैं तो एक प्लास्टर भी लगाया जाता है कुछ दिन के लिए। और जो फाइनल रिजल्ट है, इनिशियली स्वेलिंग, ब्रूजिंग, ये सब चीज़ें हो सकती है, बट ग्रेजुअली ये सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती है। 1 से 1.5 महीने में आपकी 80% तक की स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है और फाइनल रिजल्ट आपको जो मिलता है वो अराउंड 6 मंथ्स के आसपास में मिलता है। So, ladies and gentlemen, if you want to go ahead with rhinoplasty, just contact us. Thank you.